मैं अपना देश का रक्षा किया, लेकिन अभी मैं रिटायर होने के बाद अपना घर, अपना बीबी को, अपना गांव वाला को रक्षा नहीं कर पाया है। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी लाइव टीवी। मणिपुर में महिलाओं से हुई हैवानियत का वीडियो देख पूरे देश में गुस्सा है। हर नागरिक के लिए यह सामूहिक शर्मिंदगी है कि हम अपने माँ बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर पाए हैं। जरा सोचिए उस पीड़ित परिवार के इस वक्त मानसिक स्थिति क्या होगी जिसने इस सब को झेला है। जिस महिला ने इस दरिंदगी का सामना किया उनके ऊपर क्या बीत रही होगी या किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस मामले में उस पीड़ित महिला के पति सामने आए हैं। मीडिया से जो उन्होंने बातें कही हैं वो आपको अंदर तक हिलाकर रख देंगी, क्योंकि उस पीड़ित महिला के पति कोई देश के आम नागरिक नहीं, वो हमारे देश की रक्षा करने वाले फौजी रहे हैं। और फौजी होने के नाते जो उनका दर्द छलक पड़ा है, आप खुद उनकी बातों को सुनकर महसूस कर पाएंगे कि वो क्या कह रहे हैं। इंडिया टीवी पर उन्होंने जो बातचीत की है वो रुला देगी आपको। जरा सुनिए कि वो फौजी साहब क्या कह रहे हैं। सर, कितना दुख हुआ है। मैं श्रीलंका में भी आईपीकेएफ में था, कारगिल में भी मैंने अपना देश का रक्षा किया, लेकिन अभी मैं रिटायर होने के बाद अपना घर, अपना बीबी को, अपना गांव वाला को रक्षा नहीं कर पाया। तो सुना आपने, उनका कहना है कि मैं देश की रक्षा करता रहा, मैं श्रीलंका में भी था, मैं कारगिल में भी था, लेकिन जब फौजी से रिटायर हुआ तो अपने गांव की रक्षा नहीं कर पाया, मैं अपने बीवी की रक्षा नहीं कर पाया, अपनी बीवी की इज्जत नहीं बचा पाया। यह सुनकर कलेजा कांप उठता है कि किसी परिवार के साथ ऐसी जघन्य घटना हो जाती है और मणिपुर की पुलिस इस मामले में चुप्पी साध लेती है। पुलिस के सामने यह सब कुछ हो जाता है, पुलिस कुछ नहीं करती है, लेकिन इस फौजी का खून खौल रहा है, दर्द में भी वो रोष झलक रहा है कि उनके गांव के साथ क्या हुआ, उनके पत्नी के साथ क्या हुआ। और यहां फर्जी राष्ट्रवाद का चोला ओढ़े कुछ लोग समाज में बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इस दर्द को महसूस करेंगे तो उन्हें खुद शर्म आएगी कि यह घटना देश में किसी के भी साथ हो सकती है। अब इस फौजी भाई का दर्द सुनकर मेरा मन तो अंदर से रो रहा है, आप सबका भी रो ही रहा होगा। इस वीडियो को शेयर करते हुए निगार परवीन ने लिखा है, मैंने कारगिल में देश को बचाया पर अपनी पत्नी की इज्जत नहीं बचा पाया। मणिपुर में न्यूड परेड के पीड़ित महिला के पति का बयान, अब कहां है फर्जी राष्ट्रभक्त। अब बताइए वो फर्जी राष्ट्रभक्त सामने आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस मामले में बोलने भी आए तो सियासत कर बैठे। उन्होंने मणिपुर के साथ साथ छत्तीसगढ़ और राजस्थान की चिंता करनी शुरू कर दी। उन्हें लगा कि मणिपुर के साथ साथ इन दोनों राज्यों को भी जोड़ देते हैं, आने वाले समय में चुनाव भी तो है, वहां के मुख्यमंत्री पर भी निशाना साध देते हैं। ऐसे संवेदनशील मामले में प्रधानमंत्री मोदी अगर राजनीति का चुनाव कर लेंगे, उन्हें अपना चुनाव आगे नजर आएगा, तो फिर तो बेहद शर्मनाक स्थिति। एक प्रधानमंत्री जिन्हें मरहम लगाने की जरूरत है, जिन्हें यह दायित्व मिली हुई है कि वो देश की रक्षा करें, जो मणिपुर के लोगों के कष्ट को समझें, वो प्रधानमंत्री तो महीनों चुप रहे। 4 मई की यह घटना है, मई में ही मणिपुर में हिंसा झड़प शुरू हुई दो समुदाय के बीच, तब से वो खामोश बैठे रहे। और जब सीजीआई चंद्रचूड़ भड़क कर बोले सरकार अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं करेगी तो हम करेंगे, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी मीडिया के सामने बोलना शुरू किए। लेकिन देखिए बोले भी तो उसमें भी राजनीति और सिर्फ विशुद्ध राजनीति की बातें करते नजर आए। देश की बेइज्जती हो रही है, निश्चित तौर पर हो रही है, देश के हर नागरिक को शर्म महसूस हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी, आप ये सारी बातें बोलते बोलते कब इस मामले को सियासी रंग दे देते हैं, समझ से परे हैं। जरा चलिए फौजी भाई के दर्द को और करीब से महसूस कीजिए, ताकि हर उस नागरिक को यह पता चले कि उन्हें कैसी सरकार चाहिए जो देश के नागरिक की सुरक्षा करे, वो जो देश को विकास के रास्ते पर ले जाए, वो जो देश में ऐसे हैवानों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए, वो जो हिंसा शांत करने के लिए कवायद करे।
ना कि ऐसे जो चुप्पी साथी बैठे रहे, फटकार पड़े तो दो शब्द बोलकर फिर अपने काम में लग गए। ऐसे देश के नेता की क्या जरूरत है आपको? जरा देखिए, जनसत्ता ने इस मामले में खबर प्रकाशित की है, हेडलाइन में ही है, मैंने देश की रक्षा की लेकिन अपनी पत्नी गांव को नहीं बचा पाया, मणिपुर की पीड़िता के पूर्व सैनिक पति का छलका दर्द। यह दर्द हर किसी के लिए ही बहुत बड़ा दर्द है। जरा इनको समझना होगा कि ये क्या कह रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है पीड़ित महिला के पति का बयान। तीन पीड़ित महिलाओं में से एक के पति ने एक इंटरव्यू में कहा, जब गांव को जलाना शुरू किया तो हम जंगल में छिपकर बैठ गए, हिंसा करने वाले लोग जानवरों को भी मार रहे थे तो वो भी जान बचाकर जंगल की तरफ भागे, जहां लोग छिपे हुए थे वहां पर हिंसा करने वाले लोग भी पहुंच गए। सेना के पूर्व जवान ने कहा, एक बाप बेटे की हत्या कर दी थी और उसकी बेटी और मेरी पत्नी को लेकर गए, उनके कपड़े उतार दिए। सोचिए कितना खौफनाक मंजर रहा होगा। पुलिस वहां थी। जा देखिए अपने स्क्रीन पर, सेना के रिटायर्ड जवान ने कहा कि हिंसा के वक्त वहां पुलिस का जवान भी मौजूद था, लेकिन वह वहां से पुलिस स्टेशन चला गया और लोग हिंसा करने लगे। जवान ने बताया कि एक तरह पुलिस भाग गई थी और उन्हें खुली छूट मिल गई थी। उन्होंने कहा कि मैं वीडियो में दिख रहे कुछ लोगों को पहचान सकता हूं, लेकिन जो दूर के हैं उन्हें पहचानना मुश्किल है। अब सोचिए जरा कि इस घटना के चश्मदीद रहे हैं, वो कितना दर्द महसूस कर रहे होंगे, अंदर कितनी घुटन होगी, कितना गुस्सा होगा कि वो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए। और जो पुलिस वहां खड़ी थी वो वहां से मौके पर निकल पड़ी, एक तरीके से भाग खड़ी हुई थी पुलिस, और ऐसे हिंसक प्रदर्शन करने वालों को, ऐसे दरिंदों को खुली छूट मिल गई थी कि वो दरिंदगी करें। और महिलाओं के साथ जो सुलूक हुआ उसका वीडियो पूरा देश देख लिया और शर्म से नजरें भी सबकी झुक गई थी। आगे देखिए, इसमें बताया गया है, घटना के चश्मदीद सेना के रिटायर्ड जवान ने यह भी बताया कि डर के मारे महिलाओं ने कपड़े उतार दिए, वरना जान से मार देते, उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, उनके पास हथियार था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हमला होगा, जिस तरह से इन लोगों ने किया ऐसा तो कोई जानवर भी नहीं करता होगा। सोचिए अब इतनी भारी संख्या में लोग पहुंच गए, मणिपुर में पुलिस फोर्स क्या कर रही थी, मणिपुर में हिंसा के हालात हैं और पुलिस फोर्स कहां गायब थी, नेताओं मंत्रियों के घर फूंके जाते हैं, आम लोगों को मार दिया जाता है और पुलिस फोर्स क्या कर रही है, गृह मंत्री अमित शाह क्या कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी तो चलिए अमेरिका के लिए तैयारी कर रहे थे, अमित शाह जी, मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह, ये सब क्या कर रहे थे। और बीरेंद्र सिंह कहते हैं कि ऐसे ऐसे सैकड़ों वीडियो आ चुके हैं और ये वीडियो लीक हो गया है, समझ से परे है कि एक मुख्यमंत्री ऐसी बातें बोल रहा है कि ऐसे केसेस खूब हो गए, तो पुलिस कर क्या रही, कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उन महिलाओं की रक्षा क्यों नहीं हुई, वैसे दरिंदों को अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया था, वीडियो लीक होने के बाद ही क्यों पकड़ा गया, मुख्यमंत्री जी क्या इसका जवाब देंगे। बहुत ही शर्मनाक स्थिति है मणिपुर में। जरा यहां देखिए सबसे आखिर में उन्होंने क्या कहा, वही बातें सबको कचोट रही है। वो फौजी हैं, फौजी रहे हैं तो उनके अंदर जो देश की रक्षा करने की बात है तो देश की रक्षा में उनके परिवार की रक्षा की भी बात होती है, लेकिन यहां देखिए क्या सिचुएशन है, अपने परिवार की रक्षा नहीं कर पाए इस बात का उन्हें मलाल है। इसमें लिखा हुआ है, सेना में सूबेदार रह चुके पीड़ित महिला के पति ने बताया कि मैं श्रीलंका में था, कारगिल में भी अपने देश के लिए सेवा की, लेकिन अब रिटायर होने के बाद मैं अपनी पत्नी, अपने घर और अपने गांव की रक्षा नहीं कर पाया। सेना के पूर्व जवान ने कहा कि अत्याचार करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। अब सजा दिलाने का काम तो सरकार करे, प्रशासन करे, कोर्ट तक जाए मामला को लेकर, जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक हो ऐसे केसेस में, जिन जिन दरिद्रों को पकड़ा जा रहा है उन्हें फास्ट ट्रैक करके फांसी से कम सजा तो मिलनी ही नहीं चाहिए। देश के नागरिकों के साथ इस तरीके का व्यवहार करने वाले दरिंदों के लिए समाज में जगह होने भी नहीं चाहिए, लेकिन भाजपा सरकार से क्या उम्मीद करें, इन्होंने गुजरात में बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई कर दी गुजरात चुनाव के लिए, अब उन्हें संस्कारी और ब्राह्मण बताया गया। तो ऐसे ही समाज में तो हम लोग जी रहे हैं जहां पर शासन प्रशासन और सियासत इस हिसाब से काम करती है कि फायदा उनका हो, देश के नागरिक मरे कटे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बेहद शर्मनाक स्थिति है। मणिपुर के हालात कैसे सामान्य हो इसको लेकर जल्द से जल्द पहल हो, वहां राष्ट्रपति शासन लगे यह बेहद जरूरी है। फिलहाल इस वीडियो में तो नहीं, आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइफ टीवी
सच सबसे आगे।